hello students welcome to online class so in the last lecture we had discussed about the discovery of subatomic particles in that lecture we have got also some values of some atomic particles like charge value mass value now we will discuss about the different atomic model given by different scientists so here one question arises in our mind what is the need of this model actually what happened after the discovery of subatomic particles some of the major problem come in front of scientists for example how to explain stability of atom how to explain the formation of different kind of molecules by the combination of different atom so such type of a question come in front of scientists so for solving these questions many scientists give their models but out of them only about two models we discuss here. One is Thomson model and other is Rutherford nuclear model. So let's start from Thomson model of an atom. So here it is. In 1898, J.J. Thomson gave this model, and you also know that he also the discoverer of electron. His model contained following points. फर्स्ट वन इज़ ऑल एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस है ये उन्होंने पहले ही बताया था जितने भी आइटम है वो क्या है इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करके रखते हैं तो उनकी जो डिस्कवरी करी है तब यही उसमें बता दिया था सेकेंड इज एटम इज अ अफेयर इन विच पॉजिटिव चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड एंड द मास ऑफ द एटम इज़ कंसिडर टू बी इवेंटली स्प्रेड ओवर द एटम अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल दिस टू पॉइंट कैन बी अंडरस्टूड बाय सी अर डाइग्राम इफ यू सी अ डायग्राम एक्चुअली वट हैपन एक एग्जाम्पल से लेते हैं अगर हम एक खीर का एग्ज़ाम्पल देंगे तो आपको पता है खीर किससे बनती है दूध से आपके राइस से शुगर से और कुछ ड्राई फ्रूट से तो जो मिल्क जिस तरीके से पूरी खीर में स्प्रेड हुआ रहता है पूरे यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहता है उसी तरह से उन्होंने अपने उसी तरीके से इनका जो मॉडल था उसमें क्या एजोस्फेयर था उसमें पूरा यूनिफॉर्मली क्या है पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है और इलेक्ट्रॉन आपकी इमिडियट है कहीं है जैसे खीर में ड्राई फ्रूट्स कहीं कहीं पे इमिडेट रहते हैं या आपका राइस है तो जो आपकी खीर है उसमें जो आपका दूध है वो क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है और जो आपके उसमें ड्राई फ्रूट्स है वो क्या है या राइस है वो क्या है आपके इलेक्ट्रॉन से जो कहीं कहीं पर इमिडेट है तो उन्होंने आपका उन्होंने ये जो थॉमसन मॉडल था उसको जो थॉमसन मॉडल था एट उसके अकॉर्डिंग जो एटम का स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से बताया था जैसे डायग्राम में दिख रहा है जिसमें जो आपका स्फेयर है वो क्या पॉजिटिवली चार्ज से स्प्रेड है और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं कहीं पे इमिटेड है सो यू कैन ऑल्सो से दैट अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली तो मांस भी प्रोटोन का क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटेड जो उन्होंने अपने मॉडल में बताया था सो दैट्स वाई दिस मॉडल इज़ ऑल्सो नोन एज प्लम पोडिंग मॉडल रेज़िन मॉडल और वाटर मेलन मॉडल वाटरमेलन की रही तो है ये देखिए अगर वाटर मेलन का जैसा स्ट्रक्चर होता है तो उसमें क्या होता है आपका जो रेड पोशन है वो क्या आपका स्फ़ेयर है पॉजिटिव चार्ज से और जो आपके उसमें सीड्स होते हैं वो क्या है आपके इलेक्ट्रॉन जो कहीं कहीं पर इमेडेड है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थम्सन मॉडल नाउ सम ड्रॉबैक्स आर दिस मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रिलिटी ऑफ द एटम बट कु नॉट गिव सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेशन अबाउट द स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट्स मीन्स एक्चुअली वट हैपन इन्होंने पहले ओवरऑल न्यूट्रिलिटी के बारे में तो पहले ही बता दिया था अच्छे से बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटोन होते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज किसी आइटम में उतने ही होते हैं ठीक है बट जो आपके स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस हैं वो क्या है उन्होंने नहीं बताया था अपने रिजल्ट में नहीं बता पाए जो कि फर्दर रदर फोन ने बताया सो दैट्स वाई दिस मॉडल वॉज नॉट फर्दर एक्सटेंड और यहीं पर ये यह जो थॉम्सन मॉडल का जो था स्ट्रक्चर एटम मॉडल था वो क्या है फेल हो गया सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थॉम्पसन मॉडल ऑफ एन ऐटम बट इसमें जो पॉइंट है मेन क्या है हर मॉडल के आपको बेसिक्स पॉइंट्स याद रखने हैं इसमें इन्होंने जो मॉडल का पॉइंट था उसमें ये बताया था कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है इस फेयर में पॉज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो उसमें इलेक्ट्रॉन है वो क्या है इम्बिटेड है यहीं पर सो नेक्स्ट इज रदर फोर अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट रदर फोर प्रपोज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड गेव रदर फोर मॉडल ऑफ एन ऐटम ही कंडक्टेड दिस ऐटम एक्सपेरिमेंट इन नाइनटीन जीरो नाइन नाइनटीन जीरो नाइन में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जिसके बिहाव पे इन्होंने किया दिया, अपना मॉडल दिया ऐटम के लिए ये ऐटम का मॉडल कुछ इस तरीके से होगा सो so, इनके एक्सपेरिमेंट में क्या था इन दिस एक्सपेरिमेंट अ वेरी थिन फॉयल ऑफ गोल्ड विच हैज़ थिकनेस हंड्रेड नैनोमीटर इज़ बॉम्बार्डेड बाय अ फाइन स्ट्रीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स तो अल्फ़ा पार्टिकल्स की कुछ स्ट्रीम है जो उन्होंने क्या करा था कि एक थिन शीट है गोयल की जिसकी थिकनेस हंड्रेड नैनोमीटर उसमें बोमबार्ड हो रहा है अब उस जो स्क्रीन है उसके जस्ट बिहाइंड में क्या कैजेड एन स्क्रीन फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी गई है जहाँ पे हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स के जो पाथ का जो नेचर है वो उसको स्टडी करके उसके बिहाव पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया उसके बिहाव पे क्या है मॉडल का मॉडल दिया आइटम का सो so, डायग्राम से देख लेते हैं क्या है एक्चुअली सो हेयर इट इज़ रदर फॉर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सोर्स एल्फ का अल्फ़ा पार्टिकल्स जो देख सकते हो वहाँ से थिन गोल्ड फॉयल पे जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो रेज गिर रही हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स गिरे बम्बाड़ हो रहे हैं सॉरी और क्या हो रहे हैं कि जो ये एक्चुअली सोर्स किया है अल्फा पार्टिकल्स का रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और ये जो अल्फ़ा पार्टिकल जैसी थिन फॉयल पे गोल्ड फॉयल पे बम्बाड हो रहे हैं तो जो रेज़ आपकी दिख रही हैं डिफरेंट डिफरेंट क्या है बिहेवियर दिखा रही है कुछ रेज आपकी क्या और ये हो रही है डिफ्लैक्ट हो रही हैं कुछ क्या और ये हो रही है और कुछ स्क्रीन पर वापस बैक हो रही हैं तो ऐसा ये बिहेवियर देख कर ये एक्सपेरिमेंट कर कर उन्होंने जो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी एक्चुअली क्या होता है रदर फोर डायरेक्टेड हाई एनर्जी ऑफ स्ट्रीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स टू अ थिन शीट ऑफ गोय्फ फॉइल गोल्ड फॉइल पे क्या करते हैं कि वो जो अल्फ़ा पार्टिकल वो बॉम्बार्ड होते हैं उनके आफ्टर दैट वो स्टडी करते हैं पार्टिकल्स के पाथ का और उसके बाद उन आ, कुछ ऑब्जर्वेशन्स देखते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी वो उन हम देखते हैं नाउ ऑब्जर्वेशंस आर फर्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू इट विदाउट एनी डेविएशन और डिफ्लेक्शंस यानी कि कुछ जो आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो क्या हैं विदाउट एनी डिफ्लैक्शन क्या हैं वापस विदाउट शोइंग एनी डिवियशन और डिफ्लेक्शन क्या है पास हो रहे हैं गोल्ड फॉयल से सेकेंड इज़ वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय अ लार्ज एंगल्स कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे बहुत ही कम जो क्या है वन एट्टी डिग्री से क्या है डिफ्लेक्ट हो रहे थे एंड सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल्स एंड कुछ अल्फा पार्टिकल्स के हैं स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे तो ये हम डायग्राम से देख सकते हैं इफ़ यू सी आर डाइग्राम्स जो आप यहाँ आपके अल्फा पार्टिकल्स के सोर्सेज यहाँ पे हैं आप देख सकते हो आपके लेफ्ट एंड साइड डायग्राम के और कुछ जो गोल्ड फॉयल न्यूक्लियस है वहाँ पे, अब जो ये रेज जो डिफ्लेक्ट करती है जो आपको मूव करती हुई दिखाई दे रही है उसमें से आप देख सकते हो कुछ स्ट्रेट जा रही हैं तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स वो क्या है डिफ्लैक्ट क्या हो रही है मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही हैं विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शंस एंड वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक बाय वन एटी डिग्री एंगल सो बाई सींग दैट ही कंक्लूडेड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन ऐटम इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन ऐटम अगर पॉजिटिवली चार्ज का वॉल्यूम कम होगा तभी तो क्या होगा कि वो स्ट्रेट जा रहे हैं ना कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं एंड सम ऑफ़ द पार्टिकल्स सम ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बैक बाय वन एटी डिग्री एंगल्स यानी कि जो कुछ एंगल्स के हैं डिफ्लेक्टेड बैक हो रहे हैं किससे आपकी वन एटी डिग्री एंगल से टर्न बैक हो रहे हैं और कुछ क्या हो रहे हैं स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और ये आप पूरा ओवरऑल डायग्राम क्या है अल्फा जो आपका आ, शो करता है कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय द एटम ऑफ गोल्ड फॉइल्स तो ये पूरा डायग्राम है जिसमें आप डिफ्लेक्शंस देखे आपने कि ऑब्जर्व किया उन्होंने ये उब, मतलब ऑब्जर्वेशंस करी कि आ, कुछ अल्फा पार्टिकल्स कोई डिफ्लैक्शन नहीं कर रहे हैं कुछ बहुत ही कुछ कर रहे हैं तो वो वन एटी डिग्री पे आ रहे हैं और कुछ बहुत ही स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन ही मेड सम कंक्लूज़न अबाउट इट विच आर फर्स्ट इज़ an atom must be extremely hollow and must consist of mostly empty space because most of the particle passes through it without any deflections he said that as you when you see in the diagram back तो आपने देखा वहाँ पे कि जो पार्टिकल्स था जो आपके पार्टिकल्स थे वो क्या हैं स्ट्रेट जा रहे हैं विदाउट शोइंग एनी डेविएशंस डेविशंस तो उस ऑब्जर्वेशन के बिहार पे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ़ द पार्टिकल जो पास हो रहे हैं इसका मतलब क्या है एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है खाली है होलो है कुछ स्पेस वो खाली है तभी तो वो स्ट्रेट पास होते हैं अगर हम थॉमसन मॉडल के जो उन्होंने दिया था उसके हिसाब से बात करें कि उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो जो आपके अल्फ़ा पार्ट जो पॉजिटिव रे अल्फ़ा पार्टिकल्स के हैं पॉजिटिव रे ही कंटेन करती हैं पॉजिटिव रे ही पॉजिटिव रहते हैं तो क्या होती हैं वो क्या है स्ट्रेट फॉर पास नहीं होती ठीक है तो यानी कि थॉमसन मॉडल ने जो थॉमसन ने जो मॉडल दिया था एटम के लिए वो क्या हो गया यहाँ पे उन्होंने रदरफोन ने क्या कर दिया कि उस पॉइंट को उनको बताया कि वो वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए मतलब एक तरीके से उन्होंने उसका विरोध किया कि नहीं अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा क्यों है अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो कैसे एटम में एक्सट्रीमली मतलब कुछ पार्टिकल्स स्ट्रेट जा रहे हैं ठीक है नेक्स्ट इज़ वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर वर्ड डिफ्लेक्टेड टू अ लार्ज एक्सटेंस बहुत ही एक पार्टिकल्स कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे कि जो क्या आ रहे हैं लार्ज एक्सटेंट में डिफ़्लेक्ट हो रहे हैं तो दिस इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ दे नेगेटिव चार्ज एंड वेरी लो मास कैन नॉट डिफ्लेक्ट हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस मॉडल दैट्स वाई दिस मॉडल ऑल्सो नज अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट मीन्स अब उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स के क्या हैं कुछ अमाउंट्स ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं डिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्या लार्ज एक्सटेंट में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं ठीक है तो उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपको जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्या है जो आपका वो क्या है बहुत ही लो मास है तो वो पॉजिटिव चार्ज जो आ, अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज रखा गया है जिसका मास नेगेटिव चार्ज के मास से इलेक्ट्रॉन के मास से क्या है ज़्यादा है तो जो आपका लो मास है वो क्या है? कहते हैं हाई मास को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता ठीक है सेकेंड ईय दे मस्ट बी वेरी हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इन द एटम दैट इज़ न्यूक्लियस विच डज़ नॉट परमिट द पार्सेज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने कहा था कि आप आ, कि एटम के अंदर डेफिनेटली एक ऐसा हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है जो कि न्यूक्लियस है और उन्होंने जिस जो क्या कर पॉजिटिव चार्ज हो क्या पास उन्हें नहीं दे रहा है क्योंकि अगर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या है रिपल्शन होगा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव रहे हैं तो वो रिपेल करेंगे और वो उनको जाने नहीं दे रही तो अगर आप डायग्राम देखें फिर डायग्राम तो आप देख सकते हैं कि कुछ पार्टिकल्स क्या वापस आ रहे हैं और कुछ क्या हो रहे हैं स्ट्रेट जा रहे हैं जो स्ट्रेट जा रहे हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं उन उन, उन जो ऑब्जर्वेशन थी उसके बेस पे कंक्लूज़ करा कि मोस्ट ऑफ़ द स्पेस इन द एटम इज़ एम टी एम टी है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन जो आपकी अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या स्ट्रेट जा रही हैं जो आपकी वापस बैक आ रही हैं रिटर्न बैक हो रही हैं उन्होंने कहा कि डेफिनेटली वि इट कंटेन अ पॉजिटिवली चार्ज इन अ वेरी लो स्पेस अगर पॉजिटिवली चार्ज किसी एटम में एक कंसनट्रेटेड जगह पर बहुत ही मतलब पूरी जगह ना फैल कर सिर्फ एक उसने पर्टिकुलर स्पेस ले लिया इफ़ यू अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको तो अगर आप क्रिकेट uh, का ग्राउंड देखो तो जो क्रिकेट का वो सर्कुलर पात है वो क्या है आपका एटम का स्ट्रक्चर है और वो जो उसमें बीच में जो बॉल जाती है वो क्या है न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस वो है तो आप सोच सकते हो कि कितना छोटा वहाँ पे न्यूक्लियस है एटम के मुकाबले तो जो वो न्यूक्लियस है वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन रहता है ठीक है तो उन्होंने इसके बिहाव पे इस स्ट्रक्चर के बिहाव पे कुछ कंक्लूज़न निकाले और जो कि ये थे सो नेक्स्ट इज़ बिकॉज द नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स विच अंडर गो डिफ़्लैक्शन ऑफ वन एट्टी डिग्री इज़ वेरी स्मॉल दे आर फॉर द वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मस्ट बी एक्सट्रीमली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम एंड दैट बॉडी नोन एज न्यूक्लियस ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो वन एटी डिग्री पे वापस बैक आ रहे हैं बहुत ही कम जो आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो क्या रहे हैं डिफ्लैक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो क्या है बहुत ही कम जगह वॉल्यूम में ली है उसने ठीक है मतलब अगर हम एटम के वॉल्यूम की बात करें तो जो उसका आ, एक तरह से न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो क्या है बहुत ही कम है जैसे क्रिकेट वाला ग्राउंड का एग्जाम्पल मैंने बता दिया तो ऑन द बेसिस ऑफ़ दैट पॉइंट हम उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट किया तो देखा गया कि जो रेडियस ऑफ एन ऐटम है वो क्या है टेन की पावर माइनस टेन मीटर है बट वाई द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस टेन टू की पावर माइनस फिफ्टीन मीटर टेन टू की पावर माइनस फिफ्टीन मीटर तो सोचो कितना छोटा होगा न्यूक्लियस एटम के मुकाबले सो दिस इज ऑल अबाउट द कंक्लूज़न नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन ही गेव द रदर फोर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन ऐटम जितने भी इन्होंने कंक्लूज़न करे थे उन्होंने क्या किया कंक्लूज़न ऑब्जर्वेशन देखा और फिर उसके बिहाव पे क्या दिया अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया किसका एटम का सो रदर फॉर न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन ऐटम कंसिस्ट ऑफ टिनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड इट इज़ सराउंडेड बाय अ होलो पोर्शन कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मीन्स एंड जो एटम है उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कहाँ है न्यूक्लियस में है सेंटर पर है और उसके सराउंडेड पोर्शन में क्या आपके इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ सराउंडेड बाय अ होलो पोर्शन जो उसके चारों तरफ है क्या है होलो पोर्शन है जिसे हमने क्या बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो न्यूक्लियस में आ गया जितना हुआ उसे न्यूक्लियस बोल दिया और जो बच गया उसे क्या बोल दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियरस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेकेंड इज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ ड्यू टू न्यूक्लियन्स विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वाइल द इलेक्ट्रॉन्स प्रजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोशन हैज़ नेगलेजेबल मास एंड कैरी नेगेटिव चार्ज मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियन्स का वो उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन के पास किया है वो कहाँ घूम रहे हैं जो आपका प्रोटोन है आइटम के अंदर वो कहाँ है न्यूक्लियस में ठीक है प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ है न्यूक्लियस में सेंटर पर एटम के सेंटर पर और जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे घूम रहा है उसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसमें घूम रहा है ठीक है द एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट ये तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है मतलब ये जो सारे पॉइंट्स हो क्या हैं कि जो ऑब्जर्वेशन करी और जो कंक्लूज़न निकाला उसके बिहाव पे उन्होंने फाइनली ये बताया कि हाँ एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है और उसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियस की जगह यहाँ पे है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर घूमते हैं तो मतलब सबकी पोजिशन भी उन्होंने बता दी नेक्स्ट स्टेज द इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स जो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हम वर्ड बोल रहे हैं उन्होंने अब उसको क्या नाम दे दिया ऑर्बिट्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ वो क्या है ऑर्बिट तो रेदरफोन ने जो ये मॉडल दिया था रिजें्बल किया था सोलर सिस्टम से इन विच न्यूक्लियस प्ले द रोल ऑफ द सन एंड द इलेक्ट्रॉन दैट ऑफ रिवोल्विंग प्लानेट्स ठीक है नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्प टूगेदर बाय इलेक्ट्रोसटेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यू आपके न्यूक्लियस हैं अब इलेक्ट्रॉन ऐसे तो नहीं है कि कुछ ऐसे ही घूम रहा होगा कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है थी तो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस जो है वो क्या है? कुछ इलेक्ट्रिकोट जो आपके इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स हैं उसकी वजह से क्या है बाइंड है सो so, इन्होंने अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं किसी सर्कुलर ऑर्बिट न्यूक्लियस में तो इट्स मीन्स इलेक्ट्रॉन का अगर मूवमेंट हो रहा है किसी उसमें सर्कुलर मोशन में तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मीन्स एसलरेशन में चेंज हो रहा है इफ़ एसेलरेशन में चेंज हो रहा है तो मीन्स कोई ना कोई फोर्स उसमें लग रही है एंड दैट फोर्स इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स तो जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को जो होल्ड करके रखता है वो कौन सी फोर्स है आपकी सेंट्रीप्यूटल फोर्स जो कि आप फिज़िक्स में भी पढ़ चुके होते हैं फिजिक्स में भी हैं ये चीज़ कि जो आपका सेंट्रिप्यूटल फोर्स क्या होता है ये सब आप पढ़ोगे इसे डीपली वहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ इतना ही है कि जो वो सेंट्रपिटल uh, फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के लिए जो न्यूक्लियस है अब वो अगर ऐसे ही घूमता रहेगा विदाउट एनी फोर्स तो क्या न्यूक्लियस पर गिर जाएगा तो स्टेबिलिटी वहीं पर ख़त्म होगी तो इसीलिए न जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में आपका जो सेंटर पे जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो इस तरीके से होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर इस टाइप का था जहाँ पे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस यहाँ पे आपका सेंटर पर है तो उन कितने कंक्लूज़न निकालने के बाद उन्होंने बताया फाइनली बताया कि हाँ एटम का जो मॉडल होता है वो इस टाइप का होता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है और आपका जो न्यूक्लियस की पोजीशन है ये है नाउ सम ड्रॉबैक्स आर अब बहुत सारे पॉइंट्स बताए उन्होंने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए इतना कुछ एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से बट कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स रहते ही है कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो नहीं बता पाए तो पढ़ लेते हैं एक बार अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स एंड चार्ज बॉडी इन अ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स शुड रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली मीन्स अगर हम मैक्सवेल थ्योरी जो आप पढ़ोगे क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर उसकी बात करें तो कोई भी जो एसलरेटिड बॉडी होती है वो क्या होती है अगर वो घूम रही है तो वो क्या है कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगी रेडिएट करेगी अगर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करेगी तो उसकी एनर्जी क्या लॉस हो रही है तो इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इन्होंने पहले ही बताए थे कि इलेक्ट्रॉन क्या है आपके सेंट्रपिकल फोर्स के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं तो क्या है, रिवॉल्व अगर कर रहे हैं रेडिएट एनर्जी कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए जहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस पे ही हो जाएं गिरेंगे और क्या है जो उसका स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा बट यू हैव सीन दैट मैनी ऑफ द एटम्स आर स्टेबल हमने देखा है बहुत सारे एटम्स स्टेबल्स होते हैं तो ये जो पॉइंट था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो जो उनका ड्रॉबैक्स बन गया देअर इफ द एसेड इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी बाय रेडिएशंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस एंड इट मस्ट स्पायरल डाउन टू द न्यूक्लियस एंड दिस बिहेवियर इज़ नॉट ऑब्जर्व एज सम ऑफ द एटम आर फाउंड टू बी स्टेबल सो आई ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को नेक्स्ट इज

एटम का जो अरेंजमेंट है वो तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करता है यानी इलेक्ट्रॉन का जो एरिया uh, है घूमने का चक्कर लगाने का वो ये है और जो न्यूक्लियस है यानी एक तरह से घर है उन्होंने बता दिया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन का घर यहाँ पर है बट उन्होंने ये नहीं बताया है कि घर में इलेक्ट्रॉन रहेंगे कैसे यानी उनके अरेंजमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ जो कि इनकी थ्योरी हो गई नाउ हो देर इज़ ऑल्सो वन पॉइंट इज़ ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम नाउ वट इज़ स्पेक्ट्रम ये आप जैसे आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे व्हाइट लाइट होती है अगर व्हाइट लाइट को देखा व्हाइट लाइट को हम प्रिंस प्रिज्म से पास करें तो हमें क्या है विबग्योर दिखते हैं डिफरेंट कलर्स दिखते हैं आपको ठीक है तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब इन्होंने एक आ, ग्लास एक रखा वहाँ पे तो मतलब एक कंटेनर रखा है उसने वाइट लाइट पास करी और जैसे उस कंटेनर में हम गैस वो डिफरेंट डिफरेंट गैस भरे थे कभी एच टू डिफरेंट डिफरेंट गैस तो व्हेन द गैस इन अ कंटेनर चेंज ही से ही ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द ऑप्टेन या कलर जो दिख रहा है हमें वो क्या है उसमें से कुछ कलर्स क्या हो रहे हैं डिसअपियर हो रहे हैं सारे कलर नहीं आ रहे हैं तो अगर हीलियम सपोज दैट हाइड्रोजन रख रहे हैं तो एक कलर गायब हो रहा है दूसरा अगर हम हाइड्रोजन की जगह दूसरे गैस फिल कर रहे हैं तो क्या है कोई और कलर गायब हो रहा है यानी कि जैसे जैसे हर गैस कंटेनर में चेंज हो रही है वैसे वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स क्या हो रहे हैं डिसअपियर हो रहे हैं तो इस बिहेवियर को रदर नहीं बनाए विच बिकम हिट्स ड्रॉबैक्स सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रदर फोर एंड द थॉमसन मॉडल ऑफ एनाइटम और अगर एक बार समरी देख लेते हैं तो थॉम्सन मॉडल ने क्या कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके ओवरऑल स्वेयर में और इलेक्ट्रॉन्स के एमबिटिड है और न्यू रदर फोन ने क्या बताया था रदर फोन ने बताया था एल्फास स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशन करी जिसमें उन्होंने बताया कि जो एटम है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट हॉलो है जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या है यूनिफॉर्मली प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वो सिर्फ एक जगह पे कंसनट्रेटेड है और जिस जगह पर है उस जगह को क्या बोला न्यूक्लियस है और जो वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स जिस जगह पर रिवॉल्व कर रहा है उसे क्या बोला ऑर्बिट्स बोला सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक And so that's it for today. Hope you understand the topic.